कि हम एक्सेल का यूज करते हैं बेसिकली रिपोर्ट को मैनेज करने के लिए। अगर हम रिपोर्ट की अगर डिफिनेशन निकाले तो रिपोर्ट का डेफिनेशन होता है एनालाइज द डेटा, समराइज द डेटा, कि डेटा को किसी न किसी एंगल पे एनालाइज करना और उसकी समरी क्रिएट करना, दैट कॉल्ड रिपोर्ट। जैसे कि कोई भी डेटा होती है तो उसको किसी न किसी एक लेजेंड के अकॉर्डिंग हम समरी बनाते हैं और उस पर अपनी कैलकुलेशन एनालिसिस करते हैं। तो एक टॉपिक है हमारे पास पिवट टेबल, आप लोग इसके बारे में जानते ही होंगे। पिवट टेबल, पिवट टेबल का यूज होता है डेटा को एनालाइज करना, समराइज करना एंड रिप्रेजेंट करना। अगर मेरी बात माने और मेरी रिसर्च को माने तो करीबन हमारे 80% रिपोर्ट्स में पिवट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। मतलब पिवट पे आपने कंट्रोल कमांड कर लिया तो आप अपने ऑफिस की मोस्टली रिपोर्ट्स को क्रिएट कर सकते हो या मोस्टली इंफॉर्मेशंस आप निकाल सकते हो जो आपको चाहिए, राइट? तो पिवट यूज करने से पहले, तो पिवट वेरी यूजफुल और इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। जहां आपको रिपीटेशन की जरूरत पड़ी रिपीट कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को म्यूट कर रखा है, आप लोगों को नाम के आगे एक माइक का सिंबल होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको मेरी आवाज, आपकी आवाज मुझे सुनाई देगी, क्योंकि आपके बैकग्राउंड थोड़ा सा शोर आ रहा था इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, सर एक काम कीजिए, थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर लेंगे सर आप? स्क्रीन सर आप ही कैन से बड़ा होगा, डबल क्लिक हो नहीं कीजिए, रहा सर इसीलिए। डबल क्लिक कीजिए ना, हो जाएगा। स्क्रीन बड़ा करने का वही होता है ना, ऊपर बॉक्स का बना हुआ है, उसको मैक्सिमाइज करते हैं, उसको क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। जी सर हो गया, थैंक तो पिवट टेबल को इस्तेमाल करने से पहले आपको पता होना चाहिए पिवट टेबल का डेटा क्या है, क्योंकि तो पिवट टेबल का डेटा को अगर आप नहीं समझेंगे तो पिवट टेबल थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आप पिवट, आप रिपोर्ट बना रहे हैं, आप समरी क्रिएट कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो जो डेटा के बारे में पता होना चाहिए। आपके सामने मैंने एक सिंपल सा एक डेटा रख रखा है जिसमें एक सैलरी का डेटा है कि जितने भी हम एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई का पूरा सैलरी का ब्रेकअप है। ठीक है, अब इस डेटा से हमें क्या निकालना है? सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपको रिपोर्ट चाहिए तो क्या चाहिए। तो मुझे रिपोर्ट चाहिए कि मैं डिपार्टमेंट वाइज, हर डिपार्टमेंट वाइज हेड काउंट चाहता हूं कि किस डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्क करते हैं। तो मुझे पता चल गया कि आखिर मुझे निकालना क्या है। सेकेंड थिंग, पिवट टेबल लगाने से पहले डेटा को सिलेक्ट करना है या नहीं करना है, ये चीजें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डेटा को सिलेक्ट करना है या डेटा को सिलेक्ट नहीं करना है वो डिपेंड करता है डेटा के ऊपर। मतलब अगर डेटा में पूरा का पूरा रो ब्लैंक है, यहां देखिए एक रो पूरा ब्लैंक कर दिया, अब हम बिना सिलेक्ट किए हुए पिवट लगाएंगे तो दिक्कत क्या होगी? दिक्कत ये होगा कि एक कंट्रोल ए के ऊपर काम करता है, कंट्रोल ए किया तो देखिए ऊपर का ही डेटा सेलेक्ट किया, नीचे का डेटा सेलेक्ट नहीं किया। तो अगर आपके डेटा में आपको ऐसा लगता है कि नीचे पूरी की पूरी रो ब्लैंक, पूरी रो ब्लैंक होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, मान लो किसी एक सेल में अगर टाइप किया हुआ है तो फिर ये डेटा को सिलेक्ट कर लेता है। तो पूरी की पूरी रो ब्लैंक होनी चाहिए, एक सिंगल रो मैंने कुछ सेल्स नहीं। दूसरा, आपका हेडिंग ब्लैंक नहीं होना चाहिए, डेटा को जो हेडिंग है वो डेटा के हेडिंग होना चाहिए। अगर डेटा का हेडिंग आपका ब्लैंक हुआ तो आपका पीवर्ड परफॉर्म नहीं करेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, पीवर्ड लगेगा ही नहीं, क्योंकि पीवर्ड हेडिंग के अकॉर्डिंग चलता है। अब मैं इस पे कर्सर रखता हूं और इंसर्ट पीवर्ड टेबल में एक टॉपिक, अगर आप 2013, 10, 13, 16 इस्तेमाल कर रहे हैं
तो आपके पास ये मिलेगा रिकमेंडेड पिवट टेबल, 2007 में नहीं है। रिकमेंडेड पिवट टेबल क्या करता है कि आपके डेटा को एनालाइज करके और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पिवट आपको रिकमेंड करता है। आपको अपने हिसाब से जो पिवट शूट करे वो आप चूज करके ओके करेंगे तो पिवट लग जाएगा। मतलब ये उन लोगों के लिए है जिनके पास पिवट टेबल की नॉलेज कम है, तो वो बना के उसके लिए दे देगा, आप सिलेक्ट करके आसानी से इसको ले सकते हैं। ठीक है सर। अदरवाइज आप पिवट टेबल क्लिक लीजिए एंड ओके कीजिए, एक नई सीट पे कुछ इस तरह का विंडो आएगा। पिवट टेबल में देखिए, मैंने बताया था कि हेडिंग को ब्लैंक, हेडिंग के ब्लैंक होना चाहिए क्योंकि हेडिंग के अकॉर्डिंग चलता है ये। आपका यहाँ पे प्रीपोर्ट जनरेट होगा और यहाँ यहाँ से उठा के इन चारों में रखना है। जैसे रखोगे उसके हिसाब से रिपोर्ट बनेगा। तो मेरा जरूरत क्या था रिपोर्ट का, डिपार्टमेंट वाइज हेड काउंट। तो मैंने डिपार्टमेंट को उठाया और हमने रो में रख दिया। रोज में रखने का बेनिफिट क्या हुआ कि यहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट्स है वो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए, एक डिपार्टमेंट मतलब एक सेल वैल्यू सिर्फ एक बार है, रिपीटेड नहीं है। पिवट टेबल की एक खासियत है क्योंकि डेटा में आप जाएंगे तो आपके पास डिपार्टमेंट कई बार रिपीटेड है, बट यहां पे सिर्फ एक बार है, समरी क्रिएट करता है। अब मुझे चाहिए हेड काउंट, मतलब कि नेम को काउंट करना है। तो काउंट सम एवरेज ये सब जो भी चीजें है उसको उठा के आप वैल्यू में रख सकते हैं। तो वैल्यू में कैलकुलेशन होता है, जिसपे कैलकुलेशन करनी, तो उठा के मैंने वैल्यू में रख दिया तो काउंट ऑफ फुल नेम आ गया। काउंट क्यों आया, क्योंकि इस सेल के अंदर, इस कॉलम के अंदर डेटा में सिर्फ टेक्स्ट है इसलिए काउंट देगा। अगर डेटा हुआ, नंबर्स हुए, तो सम देगा। अब जैसे कि यहां पे रो, अब इसी को भेजना है, अब चलिए इसी को रिपोर्ट भेजना है। सबसे पहले रो वैल्यू एंड इसकी हेडिंग को चेंज करना चाहते हैं, तो आप इजीली इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया डिपार्टमेंट, कभी कभी एंटर मारने पे एक्सेप्ट नहीं करेगा तो स्पेस दे दीजिए। और यहां पे हमने दे दिया हेड काउंट। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी फॉर्मेटिंग की। जैसे कि आप अगर किसी को मेल करेंगे, तो आप रमेश जी अगर किसी को मेल करते हैं तो आप ऐसे उठा के तो मेल नहीं करेंगे, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग तो जरूर करेंगे ताकि हर किसी को समझ में आए थोड़ा सा अच्छा सा। तो नॉर्मल अगर डेटा जो आप फॉर्मेट करते हैं वो कहाँ करते हैं, यहाँ ऊपर फॉन्ट अलाइनमेंट नंबर है, इसी हिसाब से आप फॉर्मेटिंग करते हैं। पिवट को भी कर सकते हैं, बट सम प्रॉब्लम कि अगर पिवट को जैसा ऐसा भेज देना है आगे इन फ्यूचर में, इसमें डेटा होगा ऐड होने वाला नहीं है तो चलेगा। लेकिन हो सकता, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि पिवट कम्युलेटिव डेटा होता है उनका, हर दिन डेटा उसके नीचे एक के नीचे एक के नीचे पेस्ट होता है, उसी में पिवट जनरेट होकर रिपोर्ट बनते रहते हैं। तो उसमें दिक्कत क्या होता है कि अगर पिवट इंक्रीज हुआ, जैसे कि अभी 20 तक है और कुछ इंक्रीज हो गया, मान लो कि 25 तक चला गया, तो आपने जो फॉर्मेटिंग किया तो 20 तक किया था, तो 20 से लेके 25 आपका विदाउट फॉर्मेटिंग रहेगा। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि पिवट के ऊपर फॉर्मेटिंग करना हो तो आप प्रेफर करें यहां पिवट के ऊपर क्लिक करें। ध्यान रखिएगा, पिवट के ऊपर क्लिक नहीं करोगे तो ये यहां डिजाइन टैब नहीं आएगा। डिजाइन टैब तभी आएगा जब आप पिवट के ऊपर क्लिक करोगे, फिर आप डिजाइन में चले जाए। डिजाइन में यहां पे आपके सारे फॉर्मेट्स हैं, जो फॉर्मेट आपको शूट करे, आपकी रिकॉर्डिंग को, रिपोर्ट को शूट करे, वो फॉर्मेट आप यहां से चूज कीजिए। एंड ओके कर दे, आपका रिपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए मुझे टू लेजेंड में चाहिए, मैं चाहता हूं कि किस डिपार्टमेंट के किस सिटी में कितना एम्प्लॉय है, हेड काउंट है। तो मैं यहां नीचे सिटी को उठाया
और सिटी को उठा के हमने कॉलर में रख दिया, तो रिपोर्ट कुछ इस तरह से बनेगा। लेकिन कॉलम फील्ड में जब आप रखते हो तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, ध्यान ये रखना है कि आपका जो कॉलम का फील्ड है वो लिमिटेड होता है, क्योंकि 16,000 समथिंग तो रो ही होती है। दूसरा है कि एक व्यू, एक माने कि पेज पे व्यू हो, प्रिंट आउट हो, इजिली नेविगेट हो, ऐसी चीजें हो सकती है। लेकिन अगर आपका सिटी, क्योंकि सिटी अभी छोटा है, कम है, 10-5-10 है, लेकिन जहां पे अगर मान लीजिए 2-4-500 हुआ तो, या 2-4 हजार हुआ, तो वहां पे तो नेविगेशन में काफी दिक्कत आ जाएगी। समझ बारे में क्या बोल रहा हूं सरफराज जी, कि यहां पे अगर सिटी 500 हुआ तो ये आगे इतना आगे बढ़ जाएगा ना जी, तो बार बार नेविगेशन में लेफ्ट राइट करना पड़ जाएगा, इसलिए ये चीज मैं बोल रहा था। तो उस केस में आप सिटी कोड को कॉलन में ना रखें, तो कहां रखें आप इसको, सब हेडिंग बना दीजिए, मतलब कि रो के अंदर कॉलम के नीचे सिटी रख दिया। इसमें एक और फायदा है कि यहां अकाउंटिंग जो है इस पे हम इसको क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब एक साथ सब पे क्लिक करना है तो एनालाइज डिजाइन, इससे पहले एनालाइज होता है, उस पे जाए और यहां देखिए माइनस एंड प्लस होता है, ठीक है। तो एक एक्सपेंड कर सकते हैं, कॉल एक्सपेंड कर सकते हैं, एक रिपोर्ट इस तरह से आप बना सकते हैं, एक साथ करना है तो इस पे क्लिक कीजिए, ये हो जाएगा। अब इसी में कुछ चेंजिंग हम करते हैं। सबसे पहला कि जो ये यहां पे टोटल आ रहा है, देखिए सबके नीचे टोटल है, मैं इस टोटल को नहीं रखना चाहता, इस टोटल को नहीं रखना चाहता, तो क्या करेंगे, राइट क्लिक कीजिए और यहां से टोटल को हटा दीजिए। अब अगर रिपोर्ट को जैसा है ऐसे आप किसी को भेजना है तो गुड, लेकिन रिपोर्ट को मतलब कि पिवट फॉर्मेट में भेजेंगे तो ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हम रिपोर्ट को कॉपी करते हैं, अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग करते हैं और फिर हम आगे भेजते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि हम इसको कॉपी करके अगर मान लीजिए यहीं पे पेस्ट एज ए वैल्यू कर दिया, जो कि फॉर्मेटिंग एंड फॉर्मूला को रिमूव करता है, तो यहां पे आपको सिटी एंड डिपार्टमेंट को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्या रमेश जी मुश्किल है कि नहीं है? बट अगर यहां पे दो अलग अलग कॉलम में होता कि यहां सिटी होता और यहां पे कॉलम होता, यहां पे डिपार्टमेंट होता, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड। तो यहां पे हम क्या करेंगे, तो उसके लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप राइट क्लिक करें, जो क्विक तरीका है, और पिवट टेबल ऑप्शन में जाए, नीचे से सबसे दूसरा नंबर का ऑप्शन होता है पिवट टेबल ऑप्शन, उस पे यहां डिस्प्ले में जाएंगे तो ये होता है क्लासिकल पिवट टेबल लेआउट, इस पे क्लिक करके और जैसे ओके करेंगे तो आपका देखिए दो अलग अलग कॉलम में बढ़ जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप डिजाइन में जाएं, यह है रिपोर्ट लेआउट, तो ये कॉम्पैक्ट फॉर्म, तो आउटलाइन फॉर्म, सब टेबलर फॉर्म अपना डिफाइन कर सकते हैं, तो इस तरह से आ जाएगा।
बट अलग अलग कॉलम करने में एक छोटा सा प्रॉब्लम है, जैसे कि डेटा फिल्ट्रेशन में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो आपको दिख रहा है अकाउंटिंग है, लेकिन नीचे भी अकाउंटिंग होना चाहिए ना, तो ठीक रहता। कई सारे जगहों पे ऐसा चाहिए होता है, तो मैं चाहता हूँ इसको रिपीट करना। तो मैनुअली रिपोर्ट रिपोर्ट तो मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे चेंजिंग नहीं कर पाएंगे हम। तो आप जो है डिजाइन के अंदर ही रिपोर्ट लेआउट में यहाँ होता है रिपीट ऑल आइटम लेवल, क्लिक कर दीजिए रिपीट ऑल आइटम लेवल, तो रिपीट हो गया। उसके अलावा होता है कि मैं चाहता हूं कि इन दोनों को एक ब्लैंक कॉलम से, ब्लैंक रो से सेग्रीगेट करो, ताकि एक बॉर्डर हो जाए। तो इंसर्ट ब्लैंक, इस तरह से होगा। अगर इस चीज को हटाना चाहते हैं, आपको नहीं चाहिए, तो वापस जाइए, रिमूव ब्लैंक रो, और रिपीटेशन नहीं करनी है तो डू नॉट रिपीट कर। अरे हो गया। अब बात आती है कि मुझे इसको मर्ज करना है, इसको मर्ज करना है। तो डायरेक्ट तो मैं मर्ज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पिवट मर्ज अलाउड नहीं करेगा। तो मर्ज करने के लिए सॉरी सर, मेरा मॉडेम ये स्टार्ट हो गया था, पावर पर स्टार्ट हो गया। हेलो सर, चलिए सर कंटिन्यू कर दीजिए सर। हाँ कंटिन्यू करते हैं सर। योर गुड नेम सर? सुजीत। हाँ सुजीत कुमार। सॉरी मेरी पावर फ्लक्चुएट हुई थी, सर मॉडेम ये स्टार्ट हो गया था। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि इसको हम मर्ज करना चाहते हैं। तो होता क्या है कि हम यहां इसको आपस में मर्ज नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि पिवट जो है डायरेक्ट मर्ज को अलाउ नहीं करती है। तो मैं चाहता हूं मर्ज करना है हमें, तो उसके लिए हम यहां पिवट टेबल पे आते हैं, राइट क्लिक करेंगे पिवट टेबल ऑप्शंस, और यहां सबसे पहला लिखेगा मर्ज एंड सेंटर विथ लेवल। अब इसको सिलेक्ट कर लीजिए एंड ओके। ठीक है। हेलो। हाँ जी सर। सर नमस्कार। बस मालिक बढ़िया है, आप कमाल करते हैं। फोन से बात कर रहे हैं, मतलब मुझसे बात कर रहे हैं। तो ये हो गया मर्ज करना। अब उसके बाद अगला टॉपिक आता है डेटा का। अब जैसे कि मैं ये काम करता हूँ, सिटी कोड को हटा देता हूँ, थोड़ा छोटा हो जाएगा। इसमें जो टोटलिंग आता है, मुझे टोटल को शो नहीं करना है, या शो नहीं है तो शो करना है। देन मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा, पिवट टेबल ऑप्शन पे जाऊंगा, और यहाँ टोटल एंड फिल्टर्स में देखिए शो ग्रैंड टोटल ऑफ रो एंड शो ग्रैंड टोटल कॉलम सेलेक्ट करके ओके कर दिया। तो इसमें अब टोटल शो नहीं हो रहा है। ठीक है। दूसरा, अब बात करते हैं कुछ और। जैसे कि मैंने यहां पे सैलरी रख दिया, तो सैलरी रखते ही यहां पे इसका टोटल आ गया सम।
तो इसको और क्या क्या कर सकते हैं? तो मैं इसको सम के अलावा यहां इस पे आता हूं, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाता हूं, सम एवरेज काउंट मैक्सिमम मिनिमम यहां से कर सकते हैं कि सम काउंट एवरेज मैक्सिमम मिनिमम प्रोडक्ट, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो सम करेंगे तो इसका टोटल आएगा, काउंट करेंगे तो इसका काउंट आएगा, एवरेज होगा तो एवरेज सैलरी। हेलो सर, सर एक क्वेश्चन है इसमें कि इसमें बाय डिफॉल्ट हमेशा काउंट आता है, बाय डिफॉल्ट सम आ सकता है? बाय डिफॉल्ट सम आएगा कब? जब आपके उस पर्टिकुलर कॉलम में नंबर्स होंगे। अच्छा, ठीक है ना। काउंट कब आता है? उसमें अगर टेक्स्ट होगी। अब होता है क्या है कि कभी कभी उस जिस कॉलम में नंबर होता है उस पे भी आपका बाय डिफॉल्ट काउंट आता है। उसका रीजन ये होता है कि उस कॉलम में हो सकता है कहीं एक आध दो जगह पे टेक्स्ट हो या ब्लैंक हो, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम होती है। अब चलिए बात, हाँ अब बात बोलिए। असल में ये कह रहा था हमारे पास ज्यूमेरिक वैल्यू होती रहे, जैसे हम यहाँ पर काम करते हैं तब भी वो काउंट ही लेता है। मैंने आपको बताया ना उसमें कोई सेल ब्लैंक होगा, किसी सेल में वैल्यू नहीं होगी, किसी सेल में वैल्यू हेलो नहीं होगी। सर पिनाक हियर। सर अगर इसको परसेंटेज के फॉर्म में दिखाना हो तो हाउ वी कैन कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज? सिलेक्ट करके यहाँ से परसेंटेज का फॉर्मेट अप्लाई कर दीजिए। और कैलकुलेशन समझाता हूँ, अभी कैलकुलेशन में नहीं आया हूँ, पहले मैं आता हूँ कैलकुलेशन। ओके ओके, अब बात कर रहे हैं डेटा शो के ऊपर। डेटा शो मतलब कि अब जैसे कि अकाउंटिंग में एवरेज सैलरी 58,444 है, अब मुझे पता करना है किस किस का है। तो इसके लिए मुझे यहां डेटा शीट पे जाना होगा और यहां से फिल्टर लगा के अकाउंटिंग का फिल्टर निकालना होगा, डेटा निकालना होगा। ठीक है, तो लेकिन अगर हम पिवट के ऊपर जाएं, अगर पिवट हमारा है पिवट के ऊपर जाएं और इसके टोटल वैल्यू जो आ रही है उस पर डबल क्लिक कर दे, तो इसमें क्या होगा कि एक नई सीट इंसर्ट होगी और वहां पे उसका डेटा कॉपी पेस्ट होके आ जाएगा। तो इसका इस्तेमाल हम लोग इसके लिए तो करते हैं, एक और किसके लिए करते हैं, जैसे कभी कभी जैसे मैं एक टीम में था जहां मुझे सिर्फ डेटा देने के लिए रखा गया था, मेरे पास ऑल ओवर पूरी कंपनी की डेटा थी और जिस डिपार्टमेंट को जितना जरूरत पड़ता था उतना डेटा हम उनको मेल करते थे। जैसे सेल्स डेटा, हमें हिदायत थी कि किसी और डिपार्टमेंट को किसी और डिपार्टमेंट का डेटा नहीं लेना है, तो डिपार्टमेंट मेल पे मांगती थी कि मुझे आज का सेल दे दो, तो अगर जो डिपार्टमेंट मांगा या जो रीजन मांगा उस पर हम फिल्टर लगा के देते थे। तो होता क्या था कि उसमें कई सारी चीजें होती थी कि सिटी फिल्टर प्रोडक्ट बहुत सारी चीजों में फिल्टर लगाना पड़ता था। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती थी कि हमें फिल्टर यहाँ पे जाके फिल्ट्रेशन करना पड़ता था और बहुत ही ज्यादा टाइम लगता था। तो हमने वो सारे कंडीशंस के अकॉर्डिंग पिवट तैयार किया और बस डबल क्लिक करते थे और उसको हम भेज देते थे और उसको मिल जाता। ठीक है, तो ये चीज भी एक बेनिफिशियल पार्ट है। लेकिन चाहते हो कि कभी होता है क्या है, ये तो चीज ठीक है, ये तो एक अच्छी चीज है कि डेटा आपका कॉपी होके आ जाता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि अननेसेसरी डबल क्लिक हम लोग कभी कभी कर देते हैं। बहुत सारे लोगों का आदत होता है डबल क्लिक करने का, मैंने बहुत सारे जगहों पे देखा है, या हमसे भी क्लिक की जगह पे डबल क्लिक हो जाता है। तो उस समय भी हमारा पिवट मतलब डेटा सीट क्रिएट हो जाता है, अननेसेसरी शीट क्रिएट हो जाते हैं, तो उससे हमें प्रॉब्लम होती है। तो उस केस में हम पिवट टेबल ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ डेटा के ऊपर एक होता है अनेबल शो डिटेल्स, इसको अनचेक कर दीजिए एंड ओके कीजिए। अब डबल क्लिक कीजिएगा तो इसमें डेटा नहीं जाएगा। ठीक है, ए पार्ट का। अब आते हैं सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग के पार्ट के ऊपर। एक पार्ट खत्म हुआ समराइजेशन का,
मतलब कि आप पिवट की समरी निकालना और उसकी फॉर्मेटिंग करना सीख गए? कोई डाउट है, कोई यानी रिपीटेशन? यू कैन प्रोसीड सर। और किसी को कोई है? नहीं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्रुपिंग का। अब ग्रुपिंग सेंस समझ लीजिए कि ये यहां पे डिपार्टमेंट देखते हैं D1 to 3, D2 5, 2 5 4, D21 4 टाइम D। बेसिकली मान लीजिए कि वेंडर है, ये हमारे डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं है, वेंडर है। तो वेंडर का इस डिपार्टमेंट के जगह पे उसका कोड आता है। तो मैं चाहता हूं जितने भी कोड्स हैं उनको सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करके एक जगह वेंडर कर दो। इनको सब लोगों को एक जगह करना है। तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद जरूरी नहीं कि एक ही इकट्ठा हो सकता है कि नीचे कहीं हो, टीआर जी राइट, इसको कंट्रोल के साथ क्लिक कर सकते हैं और राइट क्लिक, और यहां से ग्रुप आता है। ग्रुप पे क्लिक कीजिएगा तो एक नया टैब यहाँ डिपार्टमेंट टू ऐड होगा और यहाँ पे देखिए ग्रुप वन दिख रहा होगा। अब इस ग्रुप वन को हम लोग वेंडर कर देते हैं। ठीक है, अब वेंडर आ गया, लेकिन ये जो आ रहा है शुभ, तो उस केस में मैंने डिपार्टमेंट को यहां से रिमूव कर देता हूं तो सिर्फ वेंडर आ जाएगा। ठीक है, तो एक ग्रुपिंग होता है। तो ग्रुपिंग सिर्फ टेक्स्ट पे नहीं होता है, नंबर पे भी होता है। तो चलिए एक और पिवट इंसर्ट करते हैं। अब मैंने सैलरी को रख दिया और हमने नेम को रख दिया, तो मुझे पता चल रहा है कितनी सैलरी पे कितने एम्प्लॉय है। जैसे कि 8545 पे दो है, 20,000 पे एक है, 29,000 पे दो है, 30,000 पे एक। ये ठीक नहीं है, मुझे चाहिए कि कंटिन्यूएशन है कि 0 से 20,000 तक वाले कितने हैं, 20,000 से 40,000 वाले कितने हैं, 40,000 से 60,000 वाले कितने हैं। इस तरह से कंटिन्यूएशन होना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में हम इस पे राइट क्लिक करेंगे ग्रुप को, और यहां मिनिमम और मैक्सिमम बाय डिफॉल्ट आ जाता है। आप चाहो तो अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो, अपना मिनिमम मैक्सिमम डाल सकते हो। फिर बाई 10,000 ही डिफॉल्ट आता है, आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हो, 20,000 का चाहिए, 25,000 का चाहिए, आप यहां डाल सकते हो। ओके कीजिएगा तो देखिए आ गया 8545 से इतना है, इतना इतना है। अब मैं अगर ये तो चलो ठीक है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है ना इसमें। तो मैंने इसमें ग्रुप पे गया और मैंने इसको जीरो कर दिया। अब देखिए ठीक है, लेकिन समझ में आया आपको? तो इस तरह से आप नंबर को ग्रुप कर सकते हो। लेकिन बात करते हैं डेट को ग्रुप करने की। तो पिवट टेबल में मान लीजिए कि मैंने डेट को यहां रखा और एम्प्लॉय को यहां रखा। तो देखिए मैं इस पे बहुत सारे ग्रुपिंग का फंडा अप्लाई रखा हूं, इसलिए इस तरह से आ रहा है। लेकिन आप लोगों के पास इस तरह से ग्रुप होके आए मंथ ईयर वाइज, ये जरूरी नहीं है, हो सकता है कि आपके पास मोस्टली इसी तरह से आता है। अब मुझे इसमें मंथ वाइज ग्रुप करना है कि किस महीने में कितना सेल हुआ है। तो इसके लिए हम राइट क्लिक करते हैं और ग्रुप, ग्रुप में आपका स्टार्टिंग डेट और एंड डेट जो आपके सिस्टम का मिनिमम मैक्सिमम होता है वो ले लेता है। और यहां पे आपका होता है कि मंथ वाइज लेना है, क्वार्टर वाइज लेना है, डे वाइज लेना है, आवर वाइज लेना है। यहां आप डिफाइन कर सकते हो एंड देन ओके। अगर दोनों चाहिए कि मुझे मंथ और क्वार्टर दोनों चाहिए, तो राइट क्लिक करके आप इसमें दो को भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो दो आपके पास आएंगे। और उसे माफ कीजिएगा, डेट ले लिया।
ठीक है, तो इस तरह से ग्रुप कर सकते हो। तो ग्रुप आप टेक्स्ट को कर सकते हो, ग्रुप आप मंथ को कर सकते हो, ग्रुप आप डेट को कर सकते हो। तो तीन ग्रुपिंग इसमें है, ठीक है, ओके। तो ग्रुप के बाद बात करते हैं शॉर्टिंग की। अगर मुझे शॉर्ट करना है तो सिंपल, जिसके अकॉर्डिंग सबने इसके नंबर के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, शॉर्ट ए टू जेड एंड जेड टू ए करूंगा, तो ये हमारा शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट ए टू जेड और जेड टू ए। अगर मुझे टेक्स्ट के अकॉर्डिंग करना है तो टेक्स्ट से फिल्टर रखिए और यहां पे शॉर्ट कर दीजिए, सिंपल सा शॉर्ट करना है टू जेड जेड टू ए। अब बात करते हैं फिल्टर की। तो फिल्टर दो है, एक तो जैसे मुझे इसमें से किसी एक को फिल्टर रखना है तो मैं यहां ले सकता हूं कि भाई मुझे सिर्फ आईटी चाहिए, तो मैं यहां से सिर्फ आईटी को सिलेक्ट कर सकता हूं, ये फिल्टर हुआ। या पूरा चाहिए तो पूरा ले सकते हैं, या हमें वैल्यू में से कि टॉप टेन चाहिए सिर्फ, टॉप टेन ले लिया, इसमें टॉप टेन हमारा आ जाएगा। तो माफ कीजिए, टॉप टेन नहीं टेन था ही, इसलिए टेन। तो मैं जो भी यहां सिलेक्ट करोगे तो फिल्ट्रेशन आपके यहां पे फिल्टर हो जाएगा। लेकिन एक आती है फिल्टर में, एक आता है पेज फिल्टर, मतलब कि मैं एसएसपी फिल्टर लगाना चाहता हूं। जैसे यहां पे तो जो फिल्टर लगाएंगे जो यहां आपने रख शो कर रखा है, लेकिन मान लीजिए मैं सिटी वाइज फिल्टर चाहता हूं, लेकिन मैं सिटी को यहां शो नहीं करना चाहता, तो यहां से सिटी कोड उठाइए और हमने फिल्टर में यहां फिल्टर पेज पर रख दिया। तो यहां से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो कि भाई दिल्ली का सिर्फ चाहिए मुझे, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन यहां पे करते हैं। तो ग्रुपिंग, शॉर्टिंग एंड फिल्टर, एनी डाउट्स? नहीं है, ओके। तो ग्रुपिंग, शॉर्टिंग, फिल्टर में कोई डाउट तो नहीं है ना आप लोगों को? नहीं, डाउट नहीं है सर, बिना। ओके, तो ग्रुपिंग, शॉर्टिंग, फिल्टर के बाद नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है हमारा कैलकुलेशन। चलिए कैलकुलेशन को हम पढ़ते हैं। मुझे 2 मिनट का ब्रेक दीजिएगा सर, 2 मिनट में आता हूं सर। तो पिवट टेबल में कैलकुलेशन की बात हम कर रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि पिवट टेबल के अंदर कैलकुलेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहां पे डिपार्टमेंट वाइज हमने टोटल सैलरी निकाला हुआ है कि किस डिपार्टमेंट की कितनी सैलरी है, ठीक है। तो डेटा में हमारे पास एक सबसे लास्ट में देखेंगे बजट है, मैंने ऐड किया हुआ है। कि आपको पता ही होगा कि हर डिपार्टमेंट का एक बजट होता है खर्चे का। तो खर्चे का बजट क्या है, कितना खर्चा करना है, तो ये बजट यहां दिख रहा है, मैं सबसे नीचे भेज रहा है मान लीजिए। तो इस पर राइट क्लिक करता हूं और यहां पर मूव आता है, मूव बजट टू एंड, सबसे लास्ट में मूव हो जाता है। तो मुझे क्या करना है कि इस
नंबर जो आपका आ रहा है 15 लाख का जो नंबर है, नहीं 15 लाख से कम नहीं है, 1 लाख है ना, 1 मिनट मैं इसको बढ़ा देता हूँ 1 जीरो। हमें डेटा में एंट्री की तो पिवट में अभी अपडेट करने के लिए मुझे इसको रिफ्रेश करना पड़ता है। अब मुझे क्या करना है कि इस अमाउंट से हर किसी को डिवाइड करना है ताकि इसका परसेंटेज निकाल सके कितना परसेंट यूज कर चुके हैं बजट। तो इसके लिए जनरली हम इसको सिलेक्ट करते हैं और डिवाइड बाय इसको करते हैं। रिजल्ट हमारा देखिए 35% आता है, बट ए पिवट का पार्ट नहीं। कल के डेट में अगर मान लीजिए मैं सैलरी के जगह बोनस भी ऐड कर दूं, ओवर टाइम भी ऐड कर दूं, तो क्या होगा कि ओवरराइड कर देगा, इसको ओवरराइड कर देगा। मैं चाहता हूं कि कैलकुलेशन पिवट का पार्ट हो। तो देखिए ये फिल्टर कॉलन एंड रोज के अंदर में एक कोई भी एक फील्ड को आप सिर्फ एक बार रख सकते हो, लेकिन यहां वैल्यू के अंदर एक फील्ड को आप कई बार रख सकते हो। तो मैं सैलरी को उठा के एक बार और रख दिया सम ऑफ सैलरी, सॉरी काउंट ऑफ सैलरी आ गया, तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूं, सम ऑफ सैलरी कर देता हूं। अब सैलरी टू में मैं क्या करना है कि वैल्यू फील्ड सेटिंग यहां से मैंने सम सिलेक्ट किया, उसी के बगल में यहां देखिए ऊपर दिखेगा शो वैल्यू एज, जहां पे नो कैलकुलेशन है। नो कैलकुलेशन के नीचे हम देखिए यहां पे बहुत सारे परसेंटेज है, तो परसेंटेज ऑफ यहां दिख रहा है। परसेंटेज ऑफ पे जाएंगे डिपार्टमेंट और सबसे लास्ट में हमारा बजट है, तो इस बजट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो बजट की जो ये अमाउंट है इससे सबको डिवाइड कर देगा, परसेंटेज निकाल देगा, और परसेंटेज ये पिवट का पार्ट होगा, पिवट के साथ इंक्रीज होगा एंड पिवट के साथ डिक्रीज होगा। इसमें और भी कैलकुलेशंस है, उसको भी आप देखिए वैल्यू फील्ड सेटिंग में। यहां पे परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल जो टोटल है उससे आएगा, परसेंटेज ऑफ रो टोटल, परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, ऐसी बहुत सारी चीजें यहां दिखेगी आपको सो वैल्यू एज में। अब बोलो से ग्रांड टोटल, कॉलम टोटल, रो टोटल क्या है? परसेंटेज ऑफ तो समझ में आता है कि बजट से इसने डिवाइड किया है। तो इसके लिए मैं सैलरी को हटाता हूं और यहां पे सिटी को रखता हूं, तो सम ऑफ सैलरी को भी यहां हटा देता हूं, सम ऑफ सैलरी दोबारा रखता हूं, इस पर डबल क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग में इसको सम कर देता हूं। देखिए कॉलम टोटल आपका ये है कि ये जो टोटल है इस पर्टिकुलर कॉलम का, इसको कहा जाता है कॉलम टोटल। रो टोटल होता है ए, तो ये पर्टिकुलर रो का टोटल है इसलिए इसको रो टोटल कहा जाता है, और इसको कहा जाता है ग्रांड टोटल जो सबका टोटल होता है ओवरऑल। तो अगर आपने वैल्यू फील्ड सेटिंग में गए और सो वैल्यू एज पे नो कैलकुलेशन को ड्रॉ करता हूं, अगर मैंने परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल ले लिया तो ये जो अमाउंट आपका है 8051090 इससे हर नंबर को डिवाइड करके उसका परसेंटेज निकालेगा। अगर मैंने कॉलम टोटल कर दिया तो फिर ये हर कॉलम के उसके इंडिविजुअली टोटल से उसको परसेंटेज निकालेगा, और इसी में उसका रो टोटल आता है तो ये इधर जो रो है उससे उसका टोटल के परसेंटेज निकाल, डिवाइड करके परसेंटेज निकालेगा। उसी तरीके से आप पैरेंट कॉलम, कॉलम पैरेंट टोटल, डिफरेंसेस फ्रॉम परसेंटेज, रनिंग टोटल जो क्यूमुलेटिव टोटल कहते हैं, रनिंग टोटल के बारे में बता देता हूं एक बार, रुकिए डिफरेंस फ्रॉम बता देता हूं। जैसे कि हमने यहां से मंथ हटा देता हूं मैं, मान लीजिए, और मैंने यहां पे ये पता करना है कितना किसका बजट बचा हुआ है या कितना कितना परसेंट बजट बचा हुआ है। तो सो वैल्यू एज में गए और यहां पे परसेंटेज ऑफ, तो भी परसेंटेज दिखाता है, यूज डिफरेंस फ्रॉम तो नंबर दिखाएगा कि भाई इसमें डिपार्टमेंट में बजट से डिफरेंसेस कितने कितने, तो डिफरेंसेस इतने दिखा रहा है।
अब डिफरेंस परसेंटेज का हो गया तो परसेंटेज दिखा देगा, तो ये यहां भी इस्तेमाल होता है। तो बाकी जो भी है वो एक बार अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसमें रनिंग टोटल है, क्विंटी टोटल मतलब कि अकाउंटिंग के नीचे एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटिंग दोनों को जोड़ के देगा, फिर तीनों को जोड़ देगा, तो एक तरह से जोड़ते चले जाएगा। क्विंटी टोटल जो होता है अकाउंटिंग में उस तरीके से। तो ये टोटल करते चला जाएगा। उसके बाद अगर हम इसमें आपके टोटलिंग एक बार अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो आपको समझ में ना आए हम आपको अगली क्लासेस में समझा देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बात करते हैं फील्ड की कैलकुलेशंस की। जो हमारे फील्ड है उस फील्ड की कैलकुलेशंस की हम बात करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक मिनट सैलरी हटा के दोबारा रखता हूँ। सैलरी का टोटल लग दिया हमने, यहाँ बोनस का टोटल लग दिया हमने, यहाँ पे ओवरटाइम का टोटल लग दिया। हम टोटल यहाँ डबल क्लिक करके भी अपनी चेंज कर सकते हैं, सम कर सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे एक चाहिए ग्रांड टोटल, क्योंकि इसमें सैलरी है उसका बोनस कितना मिला, ओवर टाइम कितना, टोटल टेकन इन हैंड तो नहीं है ना कि टोटल सैलरी कितनी मिली। तो मुझे इन तीनों का फील्ड का टोटल करके यहाँ पे चाहिए। तो इसके लिए हम एनालाइज में जाएंगे, वैल्यू फील्ड सेट में कैलकुलेटेड आइटम पे आएंगे और यहाँ पे हम देते हैं टोटल सैलरी को इंसर्ट किया प्लस बोनस प्लस ओवरटाइम और इसको हमने ऐड कर दिया एंड ओके। देखिए यहां पे इसका टोटल निकल गया, तो एक नया टोटल का कॉलम हमने ऐड कर दिया। कुछ और चाहिए जैसे मुझे इस पे मान लीजिए कि 15% का टैक्स निकालना है, तो कैलकुलेटेड फील्ड में आएंगे और यहां पे देंगे टैक्स और यहां हम जो है टोटल को सिलेक्ट करके इंसर्ट मल्टीप्लाई बाय 15% एंड ओके। इसको ऐड करते हैं एंड ओके। तो यहां पे टैक्स निकल गया। तो यहां पे कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं क्या सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज होता है, सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट ही यूज करेंगे या यहां पे एक्सेल वर्कशीट फॉर्मूला भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहां पे आप आइए कैलकुलेटेड फील्ड में। जैसे मैं यहां पे आर टोटल, मैं राउंड टोटल को राउंड करना चाहता हूं, देख रहे राउंड यहां पे, तो राउंड का फॉर्मूला मैं लगाना चाहता हूं आर टैक्स के लिए। तो यहां पे आप अपने राउंड का फॉर्मूला लगाइए राउंड और यहां पे हमने टैक्स को इंसर्ट किया इन कॉमा जीरो एंड इसको करते हैं ऐड और इसको करते हैं तो यहां पे टैक्स राउंडेड हो जाएगा और राउंडेड है कि यहां पे देखिए आपके सामने दिख गया। तो इस तरह से अपने वर्कशीट फॉर्मूला भी यहां पे आप क्लियर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फील्ड की कैलकुलेशन में ऐसे करते हैं। तो पिवट के अंदर कैलकुलेशन कैसे करना है ये क्लियर है आप लोगों को? यस सर। किसी को डाउट? नहीं सर। ओके नो सर। अब एक चीज, चलिए एक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी सीख लेते हैं। जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट किया इंसर्ट पिवट टेबल एंड ओके करता हूं, मैंने यहां डिपार्टमेंट को रखा और फिर मैंने यहां मान लीजिए मंथ को रखा और यहां पे हमने इसका टोटल निकाल दिया, रिपोर्ट आ गई।
और मैंने सिटी वाइज इसको समराइज कर ये कर दिया, फिल्ट्रेशन कर दिया। तो मैं यहां से जिस सिटी को सिलेक्ट करता हूं उस सिटी का मुझे रिपोर्ट दिखता है। अब मेरी जरूरत क्या बन गई कि जितने भी इस लिस्ट में सिटी है उस उसके हर एक सिटी के लिए मुझे अलग अलग सीट पे उसका रिपोर्ट चाहिए। 100 है तो 100, 500 है तो 500, ठीक है। तो अगर दो चार हैं तो आप कॉपी पेस्ट इजीली कर लोगे, लेकिन दो चार 100 हुआ तो कॉपी पेस्ट मुश्किल है ना। तो यहां पिवट टेबल के एनालाइज में जाएंगे तो यहां ऑप्शन होता है, ऑप्शन होता है शो रिपोर्ट फिल्टर पर पेज, शो रिपोर्ट फिल्टर पर पेज। इसको सिलेक्ट किया एंड हमने सिटी कोड को सिलेक्ट करके ओके कर दिया। तो देखिए एक क्लिक पे ये सारे रिपोर्ट्स जनरेट हो गए। लेकिन जब ये शो रिपोर्ट फिल्टर पर पेज आप करेंगे तो इसका ध्यान इसे ध्यान रखिएगा कि जो फिल्टर है वो फिल्टर यहां होना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो फिल्टर में होना चाहिए, अदरवाइज फिर यहां शो ही नहीं करेगा, ठीक है। समझ में आप लोगों को? यस सर। अच्छा कुछ ज्यादा हो रहा है या फिर आगे कंटिन्यू करें? नहीं नहीं सर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब कि ऐसा सर के ऊपर तो नहीं कर रहा है ना? कैच कर पा रहे हैं ना आप लोग? यस सर, यस सर, ठीक। यस सर चलिए सर। हाँ बोलिए सर। ये सर ये 2007 के अंदर ये सारे ऑप्शन हम लेंगे हमें? हाँ सारे ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। अब चलिए, अब अगला जो टॉपिक हम आता है वो आता है एक्सटर्नल पिवट टेबल, एक्सटर्नल पिवट टेबल। तो क्या होता है कि कभी कभी आपके पास डेटा काफी बड़ा होता है। तो अभी तक जो आपने पिवट यूज किया कि जिस सीट पे डेटा है आपने उसी सीट पे पिवट लगा दिया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डेटा हमारा काफी लेंदी होता है। जैसे उसको हम ओपन करते हैं वो दो मतलब कि परसेंटेज दिखाता है, दो चार पांच दस मिनट का टाइम देता है, बहुत सारी दिक्कत होती है। तो उस केस में मैं चाहता हूं कि मेरा जो पिवट है किसी और फाइल पे लगे। मैं डेटा के मान लीजिए ना मैं पिवट लगाना चाहता हूं बुक वन में और डेटा पड़ा है डेटा हमारे डेस्कटॉप पे, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल पिवट टेबल। कैसे लगता है? तो पिवट टेबल पे क्लिक कीजिए, यहां जब पिवट टेबल देखते हैं टेबल रेंज के नीचे आपका आता है यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स, चूज कनेक्शन पे क्लिक कीजिए, ब्राउज फॉर मोर। अब यहां पे आपको पिवट टेबल का दिख जाएगा, डेटा दिख जाएगा, अपना डेटा सिलेक्ट कर लीजिए जो भी डेटा है। तो डेस्कटॉप पे हमने डेटा को सिलेक्ट किया एंड ओपन। अब क्या है कि एक बार में एक ही डेटा लगेगा, एक बार में एक ही सीट से आपका पिवट लगेगा, दो से नहीं लगेगा, इसलिए सीट बताना पड़ेगा, सीट वन एंड ओके एंड ओके। देखिए डेटा पड़ा कहा है शीट वन में और आपने पिवट यहां लगाया। एक तो ये हुआ कि बड़ी लेंदी फाइल को हम ऑपरेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो कि सबसे मेन चीज है कि जैसे कि मैंने आपको एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप पिवट टेबल यूज करते हैं तो पिवट टेबल में डेटा अपने आप अपग्रेड नहीं होता है। मतलब कि यहां देखिए अभी जो डेटा आपका है 106 तक है। अब हर दिन डेटा इसके नीचे आप कॉपी पेस्ट मारते हैं तो डेटा
बढ़ते जाता है। तो पिवट अगर आप लगाते हैं तो मुझे आपको बार बार हर दिन यहां चेंज सोर्स डेटा में जाके डेटा को रिसाइज करना पड़ेगा, क्योंकि पिवट जो लगा है 106 तक लगा हुआ है। कल अगर आपने 200 और ऐड किया तो क्या हो जाएगा, 306। तो 306 तक ये ऑटोमेटिकली नहीं जाएगा। तो 306 को तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी हम एक्सटर्नल पिवट टेबल का सहारा लेंगे, लेकिन उसी फाइल के अंदर। तो जरूरी नहीं है कि एक्सटर्नल पिवट टेबल का मेथड जो है फाइल टू फाइल चले, विद इन फाइल भी चलता है। उसका बेनिफिट मैं भी समझाऊंगा कि पिवट टेबल पे जाएंगे, यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स, और सेम फाइल जो फाइल यहां है ना उसी फाइल को हम ब्राउज करके सिलेक्ट कर लेते हैं। एक मिनट रुकिए, मुझे इसको दोबारा से क्लोज करना पड़ेगा। कभी कोई दिक्कत हो जाती है, इंसर्ट पिवट टेबल, ब्राउज फॉर मोर, नेक्स्ट स्टॉप, माफ कीजिएगा ये रीड नहीं कर पा रहा है इसको। ऐसी प्रॉब्लम हो ना आपको तो डेटा को कॉपी करें, डेटा कॉपी करें, एक नई फाइल में उसको पेस्ट कर दें। कभी क्या थी, एक ही फाइल में कई सारे पिवट लेते हैं तो फिर वो डेटा और डेटा से नहीं पिवट से पकड़ लेता है। एक बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि पिवट टू डेटा, मतलब कि डेटा को ना लेके पिवट टू पिवट ले लेता है, डीटी के नाम से सेव कर देता हूं। अब यहां देखिए, इंसर्ट पिवट टेबल, आ गया ना शीट वन, एंड ओके एंड ओके। यस आ गया, आ गया। अब यहां पे मैं डेटा रखूंगा, मान लीजिए मैंने मंथ रख दिया और मंथ की सैलरी यहां दी। तो कल के डेट में डेटा अगर नीचे में डालेंगे ना तो जस्ट मैं अपने पीवर्ड को रिफ्रेश करूंगा और यहां पे डेटा आ जाएगा, मुझे रिसाइज करने का बार बार जरूरत नहीं पड़ेगा। चाहे रो भरे या कॉलम भरे, ये अपने आप को ऑटोमेटिक भी रिसाइज कर देगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आती है कि अगर अदर सोर्स से, जैसे कि मुझे एक्सेस से पिवट लगाना है, मेरा पिवट जो है मेरा डेटा जो एक्सेस में भरा हुआ है, तो भी आप कर सकते हैं कि यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स में चले जाए, ब्राउज फॉर मी, और डेटा में आए, डेटा नहीं जहां आपका पिवट भरा हुआ है, जैसे आप एक्सेल को सिलेक्ट करते हैं ऐसे आप एक्सेस को सिलेक्ट कर लें, डेटा को सिलेक्ट करें एंड ओके एंड ओके, आपका पिवट आ जाएगा। उस तरह से अगर आपको मान लीजिए SQL सर्वर है बड़ा हुआ डेटा, तो पहले आप SQL सर्वर, आप अगर मान लीजिए SQL सर्वर है तो SQL सर्वर के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि उसका सर्वर क्या है, लॉगिन क्या है, पासवर्ड क्या है, कौन सा डेटाबेस है या उसके अंदर कौन सा टेबल लेके आना है, ये पता होना चाहिए, तभी आप SQL सर्वर से कनेक्ट करेंगे। वैसे आप किसी Oracle से भी कनेक्ट कर सकते हैं। सर पीना किया, एसक्यूएल सर्वर का सर मीनिंग क्या होता है? एसक्यूएल सर्वर एक डेटाबेस है,
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ओके सर, लार्ज डेटा, करोड़ों का डेटा जो होता है ना उसको स्टोर करने के लिए होता है। अच्छा अच्छा समझ में। तो चूज कनेक्शन पे जाइए, ब्राउज फोन पे जाइए और न्यू सोर्स पे आइए, यहां एसक्यूएल सर्वर नेक्स्ट। अभी होता है क्या है, आपको सर्वर नेम पता होगा, अभी से लॉगिन करेंगे तो ओपन आ जाएगा। दूसरा यहाँ पे जो है फॉलोइंग द यूजर नेम एंड पासवर्ड। देखिए सर्वर दो होता है, एक लोकल होस्ट होता है, एक क्लाइंट सर्वर होता है। अब मेरा जो है लोकल होस्ट मतलब कि मेरा जो डेटाबेस है वो इसी पीसी पे स्टोर है जिस पीसी में बात कर रहा हूँ, तो लोकल होस्ट कर लाया। एक होता है कि आपका जो डेटाबेस है वो सर्वर पे या कहीं और होस्ट होगा, वो कहीं और स्टोर होगा और क्लाइंट सर्वर के जरिए आप उससे कनेक्ट होते हैं। तो ऑफिस में ज्यादा क्लाइंट सर्वर ही होता है, तो उस केस में आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड चाहिए। लेकिन मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरा सर्वर जो है वो एक्सेल पे ही बना हुआ है, ऐसे इसी पीसी में बना हुआ है, तो विंडो इंटीग्रेशन से मैं जा सकता हूं। देन नेक्स्ट, अब यहां पे मास्टर, मास्टर बाय डिफॉल्ट आता है, इसमें डेटाबेस पता है मेरा आईपीटी का डेटाबेस है और आईपीटी के अंदर में हमारा ये डेटा है। सिलेक्ट किया, नेक्स्ट एंड फिनिश एंड यस एंड ओके, तो मेरा एसक्यूएल सर्वर से पिवट कनेक्ट हो गया। ठीक है, उसी तरीके से कभी कभी क्या होता है कि मुझे इंटरनेट के एक पाथ से, इंटरनेट का एक पब्लिक पाथ से मुझे एक फाइल को डाउनलोड करके फिर उस पर एनालिसिस करना होता है। मान लीजिए जैसे कि मैंने यहां पे एक सर्च कर लेता हूं पिवट टेबल, पिवट टेबल डॉट एक्सएलएस कर देता हूं, डॉट एक्सएलएस। और फिर मैं यहां से इसका राइट क्लिक करके डाउनलोड करता हूं, तो मुझे बार बार डाउनलोड करके फिर उस पर पिवट लगाना पड़ता है। तो यहां से मैंने इसकी जो डाउनलोडिंग लिंक है उसको कॉपी कर लेता हूं और पिवट लगाते समय देखिएगा, अब पिवट लगाते समय हम यहां से आते हैं ब्राउज फॉर मी। अब मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं कहां जाऊं, न्यू सोर्स के अंदर कहां कहां जाऊं, लेकिन मुझे उसका उसका एग्जैक्ट पाथ पता है, तो मैं उस पाथ को यहां फाइल नेम में पेस्ट मार दूंगा। ध्यान रखिएगा कभी कभी ऐसे कुछ डेटाबेस जैसे फॉक्सकोरो के डेटाबेस है या किसी और डेटा फाइल है और आपको आइडिया लग रहा है कैसे इसको इंपोर्ट करेंगे, उसका पाथ यहां रख देते हैं देन ओपन। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, तो तसल्ली से वेट करें आप। अब इसमें जो डेटा जिससे जिस एक्सरसाइज से जिस डेटा से लेना है वो ले लीजिए एंड ओके एंड ओके। अब यहां पे देख रहे हैं एक्सप्रेशन ग्रुप रेवेन्यू पर लग गया, तो आप इस तरह से वेब से पिवट टेबल लगा सकते हैं। क्लियर है सर? तो अभी तक जो मैंने चीजें कराई ये जो टॉपिक्स थे 2007, 2013 एंड 2016 तीनों में अवेलेबल है। ठीक है, अब अगला टॉपिक जो आता है वो 2007 में नहीं है, लेकिन वो अगला टॉपिक मैं आज नहीं करूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा मैं पढ़ा दिया हूं आप लोगों को, तो प्रैक्टिस के लिए आप लोग पास टाइम चाहिए, तो यहां पे एक ब्रेक पॉइंट आता है। अगला टॉपिक है पिवट टेबल की स्लाइसर रिलेशनशिप एंड पावर पिवट की, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसके लिए थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होगा आपको। तो पहले आज इस सबकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए अगर आपके पास डेटा नहीं है, अगर डेटा है तो ठीक है, अगर डेटा नहीं है तो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पिवट टेबल सर्च किया ना, इतने सारे पिवट टेबल के एग्जाम्पल फाइल आ गए, इसको आप भी ले सकते हो, या फिर आप बोलोगे तो मैं डेटा मुहैया करा दूंगा। दूसरा कि इसकी जो रिकॉर्डिंग, आज जो मैंने क्लासेस ली है उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो तकरीबन 1-1.5 घंटे में आप लोगों के पास बाया मेल पहुंच जाएगा।